हाँ जी गर्ल्स, हेलो, आवाज आ रही है गर्ल्स? हेलो, यस सर। ओके, जस्ट अ सेकंड। ये स्क्रीन दिख रही है गर्ल्स, जो हम अभी कर रहे थे? हाँ, हेलो गर्ल्स, स्क्रीन दिख रही है व्हाइट वाली, जो हम भी हम कर रहे थे क्वेश्चन? सर वाइट अभी दिख गई सर, दिख रही है? दिख गई सर। ओके, यस सर। हाँ जी। तो अभी हमने ये सॉल्व किया, अभी इसको माइनस कर दो, ठीक है? माइनस करके हमारा जो भी आएगा यहाँ पे, हमारा कितना आ जाएगा माइनस करके? कितना है हमारा? 800 ये हमारा आ आठ जाएगा, सौ ठीक है? इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके हमारा कितना आ रहा है अभी सॉल्व करके? 8 0 3 एट। एट कैसे आ रहा है भाई? अच्छा, वो एट पॉइंट आंसर, थ्री अच्छा आंसर बता रहे हो आप डायरेक्टली? हाँ जी सर, सर कुछ इसको माइनस करके पूछो ना सर, 5 लाख 400 आ रहे हैं। 5 लाख 400। हाँ जी पांच सर, 5 लाख 400। हाँ जी सर। 5 लाख 400 आ रहा है, और डिवाइडेड बाय में आपका 62,34,000 है, इंटू में 100। ये डिवाइड करो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 50,040 को डिवाइड करके आपका कितना आ रहा है? 8.03%। ठीक है भाई, ये हो गया आपका। हमने यहाँ पे डायरेक्ट जो डिविडेंड टैक्स चलो है, 10% डिविडेंड यस टैक्स, सर। वो भी हमने कर लिया है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपका क्या टाइम हो गया अभी? क्या टाइम हो गया? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्लास खत्म कर देंगे। ये देखिए हमारा यहाँ पे क्या कहता है, इश्यू कंपनी इश्यूज 7। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? यस कंपनी सर, इश्यू, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था यहाँ पे, इन्होंने जो हमारा फ्लोटेशन अमाउंट था वो इशू प्राइस पर था, अगर फेस वैल्यू पर होता तो फेस वैल्यू पर होता तो हम जो हमारा 60 लाख है उस पे हम 60 लाख करते। लेंगे सर। हाँ जी, अगर इश्यू प्राइस ओके मतलब सर, फेस ठीक वैल्यू है। पे होता तो फ्लोटेशन कॉस्ट 2% ऑफ 60 लाख्स होता, ठीक है? ओके ठीक है सर। हाँ जी, तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच रिडीमेबल आफ्टर 6 ईयर्स, तो 6 ईयर्स एट प्रीमियम ऑफ 5%, प्रीमियम ऑफ 5%। अब यहां पे देखो, आपका इश्यूज 40,007.5% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच रिडीमेबल आफ्टर 6 ईयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। रिडीमेबल आपका प्रीमियम पे रिडीम किया जा रहा है, यानी कि इश्यू आपका 100 पे था और रिडीम कितने पे किया जा रहा है? 105 पे, ठीक है? कॉस्ट ऑफ इश्यू या फ्लोटेशन कॉस्ट आप कह सकते हैं, यहाँ कॉस्ट ऑफ इश्यू कितना है आपका? 2.5%
रुपीज टू पॉइंट फाइव पॉइंट पर फाइव शेयर। रुपीज ओके okay. 2.5 पर शेयर। ये भी चीज आपको ध्यान में रखने की है, एक ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका फ्लोटेशन कॉस्ट पर शेयर के हिसाब से दिया गया है या परसेंट के हिसाब से दिया गया है, कि अगर आपके क्वेश्चन में, जैसे अभी तक हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन किए हैं उसमें हमारा क्या था, 2% ऑफ फ्लोटेशन फेस वैल्यू, 2% ऑफ इश्यू प्राइस, यहां पे आपका क्या कहा गया, 2.5 पर शेयर। यानी कि हमारे शेयर्स कितने हैं भाई, कितने शेयर्स हैं हमारे, 40,000, सॉरी लिखना भूल गया यहाँ पे मैं। 40,000 हाँ जी, ये आपका इश्यूज 40,000, 7.5% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, तो हमारा 2.5 रुपए पर शेयर, यानी कि शेयर्स हमारे कितने हैं 40,000, और 2.5 रुपए पर शेयर हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ इश्यू है, यानी कि कितना हो गया, 40 को 2.5 से करोगे तो कितना आ गया, 1 लाख। 1 लाख। तो हमारा 1 लाख क्या यस है, हमारा कॉस्ट ऑफ इश्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके क्या कह रहा है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अज्यूमिंग 10% डिविडेंड टैक्स। टेन परसेंट डिविडेंड टैक्स, ठीक है जी, हो जाएगा सॉल्व, करके देखिए एक बार, ट्राई करिए, फॉर्मूला लगाइए आप अपना, सर भाई केपी वाला, डी प्लस में आरवी माइनस एनपी अपॉन में एन, यहां पे आरवी प्लस एनपी यहां पे 2 इंटू में 100। दिखाई दे रहे गर्ल्स ये? हाँ जी, तो यहां पे अब आपका डी कितना है, ये देखो 7.5% ऑफ किसका, फेस वैल्यू का। मैंने आपको बताया, आप कभी भी जब भी आप लगाओगे, इंटरेस्ट निकालना हो या डिविडेंड निकालना हो, वो हमेशा फेस वैल्यू पे होगा। तो 7.5% ऑफ किसका, 40,000 इंटू में 100, यानी कि 40 लाख, 40 लाख का 7.5% सर निकालो, कितना आ जाएगा भाई, ये कितना आएगा भाई, 40 लाख का 7.5%, 3 लाख आ गया, ठीक है, 3 लाख ही आ गया। प्लस में आपका कितना परसेंट डिविडेंड टैक्स है, 10%, 10% यस सर 30,000 ये ऐड हो गया, ठीक है। प्लस में रिडेम्पशन वैल्यू कितने हैं आपके, आपका शेयर पूरा कितने का सर है, प्रीमियम अब यहां पे प्रीमियम पे है रिडेम्पशन, यानी कि 100 रुपए का जो शेयर है वो 105 पे, 40,000 को 105 से करो, कितना आ जाएगा आपका। हाँ जी, सर बयाल 42 लाख, ठीक है, टोटल कितना आ गया आपका, 42 लाख। रिडेम्पशन कितनी आ गई आपकी, रिडेम्पशन वैल्यू 42 लाख, ठीक है जी, 42 लाख माइनस में नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स कितने हैं, हमारा इश्यू हुआ था पार पे, यानी कि 100 ईच पार पे इशू हुआ है, यानी कि 40 लाख, और उसके ऊपर क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ इशू इज 2.5 पर शेयर, यानी कि 1 लाख रुपए हमारे क्या है, कॉस्ट ऑफ इशू है। तो 40 लाख में से 1 लाख माइनस कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, नेट प्रोसीड्स 39 लाख, 39 ठीक है। ये समझ में आ गया भाई, कैसे आया, डिवाइडेड बाय में। अब नंबर ऑफ इयर्स रिडेम्पशन कितने साल बाद है, 6 साल बाद, सिक्स ठीक है भाई। और उसके बाद यहां पे कितना हो जाएगा, 42 लाख प्लस में
39 लाख डिवाइडेड बाय में 2 × 100 कितना आ गया यहाँ पे। अब देखो 3,30,000 प्लस में 42 लाख माइनस में 39 लाख, 3 लाख आ गया। 3 लाख को 6 से50,000 डिवाइड करो, कितना आ गया आपका, 50,000। ठीक है, 50,000। और इसको करो, ये कितना आ गया, 81 लाख आ गया। हाँ जी, 81 लाख आ गया। इक्यासी सर, लाख जल्दी इक्यासी लाख को दो से डिवाइड जल्दी करो, जल्दी 81 लाख को दो से डिवाइड करोगे सर, तो कितना, 40,50,000, 40,50,000, चालीस चालीस लाख पचास चालीस लाख 50,000 इंटू में 100। हाँ जी, ये कितना हो गया, 3 लाख, 380 हजार डिवाइडेड बाय में 40 लाख, 50,000। ठीक ठीक है, ये 4 जीरो से 4 जीरो गई। ठीक है, यहाँ पे आप 3,800 को डिवाइड करोगे, जब आप 400 पांच चार सौ से पांच से डिवाइड करेंगे, 405 9.38, कितना आ गया आपका, ये नाइन नाइन पॉइंट पॉइंट थर्टी नाइन पॉइंट कितना आ रहा, कुछ 13 बोल रहे हैं कोई, थ्री 9.38% 9.38%। ठीक है, तो ये अब आपको क्लियर हो गया कैसे करना है, ये सभी को आ गया है। यस हाँ जी गर्ल, सभी की आवाज नहीं आ रही है। सर हो गया हाँ सर, जी, इसमें मुझे यस एक सर आ गया। नहीं आई, हाँ जी, किसको समझ में नहीं आई, अनामिका। हाँ जी अनामिका बोलो। सर इसमें 42 लाख कहाँ से आया, मतलब कैसे कैलकुलेट किया आपने? 42 लाख कहाँ से आया, कहाँ से आया हाँ भाई वो थोड़ा 42, मुझे सम कहाँ से आया भाई 42 लाख, कोई बताएगा। सर, मैं बताऊंगी, रिडेम्पशन, हाँ जी कौन बता रहा है, काजल बता रही है, बता दी चलिए। सर, मैं हाँ बता रही हूँ, जी काजल बताओ बताओ। जो हमें रिडेम्पशन वैल्यू क्या है, कि जब हम हमारे जो शेयर है उनको हम 6 साल बाद उसको हम 5% पर प्रीमियम पर उनसे वापस करेंगे, तो 40 लाख का 5% कितना होता है, 2 लाख, तो 40 लाख में हम 2 लाख जोड़ देंगे तो हमारे 42,000 रुपये आ जाएंगे, इसका मतलब 6 साल बाद हम उसे 42,000 रुपये वापस करेंगे, 42 लाख रुपए, 42,000 नहीं सॉरी लाख 42 लाख ठीक है। हाँ जी मैं अनामिका, अनामिका हो गया क्लियर, आया नहीं आया या नहीं आया, नहीं आया। ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड, ये स्क्रीन दिख रही है अनामिका, सर, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन है, जस्ट अ सेकेंड। हमारा जो है, हमारे पास है 40,000 शेयर्स, ठीक है, यस सर, एट द रेट ऑफ 100 ईच। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से, 40,000 को कितना आ गया, ये 40 लाख आ गया। जी ये थोड़ा स्लो चलेगी स्क्रीन, हाँ तुम्हारे पास पहुंचने में टाइम लगेगा इसे, ये अभी ये सर, शायद हो 40 लाख, ये स्क्रीन शायद अब आ गया होगा, अब फ्रीज हो गए, फ्रीज हो जाती है स्क्रीन कई बार। 40 लाख आ गया, हाँ जी सर आ गया, यस ठीक है। अब सर, हाँ जी, अब देखो वो क्या कह रहा है कि भाई आपका रिडेम्पशन वैल्यू यानी कि रिडीम होगा वो कितने पे, 5% प्रीमियम पे रिडीम होगा, यानी कि 6 साल बाद जब उसे पैसे वापस मिलेंगे, ठीक है, तो वो कितने मिलेंगे, 5%। और पहले कितने का था, एक शेयर कितने का था पहले, 100 रुपए का, अब कितने का हो ₹100 का, जाएगा, 105 रुपए का ईच।
एक शेयर कितने का यस हो सर, जाएगा? 105। अब आप क्या करो, 105 को अच्छा 40,000 से मल्टीप्लाई करो। आ गया, मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आ गया, कितना अच्छा आ गया मल्टीप्लाई करके? 42 लाख, 42 लाख आ गया। सर। अब समझ में आ गया 42 लाख कैसे आया? सर आ गया आप। हाँ जी, और भी किसी को कुछ पूछना है गर्ल्स? हाँ जी गर्ल्स, और किसी को कुछ पूछना है तो आप अपनी अपनी अटेंड बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है?